आज हम बना रहे हैं रीना रसोई में दही और नारियल की चटनी। आप इसको बनाकर व्रत में भी खा सकते हैं। इसके लिए हम बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और फटाफट बनकर बहुत टेस्टी चटनी होती है। इसके लिए देखिए, हमने कच्चा पानी वाले नारियल को लिया है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप इसको छील भी सकते हैं, बिना छीले भी बना सकते हैं। अब आप सबसे पहले इसमें नारियल डालेंगे और इसमें हम एक कटोरी दही डालेंगे, थोड़े से करी पत्ते डालेंगे, थोड़ी सी धनिया डालेंगे और हमने एक इंच अदरक डाली है। अदरक को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया। दो मिर्चे लिए हैं और इसमें हम सेंधा नमक डाल रहे हैं। आप अगर व्रत में भी खाइए तो भी इस चटनी को खा सकते हैं, और जो चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हैं, जैसे धनिया नहीं खाते हैं, तो उसको मत खाए डालिए। अब इसका एक हम बढ़िया सी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये अभी थोड़ी सी, ये देखिए थोड़ी सी गाढ़ी है, इसलिए इसमें हम दो चम्मच पानी डालेंगे, बस ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसको हम एक बार मिक्सी और करेंगे। एक बार इसको हमने और पीसा, ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया फटाफट मिनटों में बटने वाली चटनी। अब इसको हम एक बाउल में निकालेंगे, फिर इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने एक पैन चढ़ाया है, इसमें हम सरसों के दाने डालेंगे और एक मिर्चे को तोड़ के डालेंगे और थोड़े से करी पत्ते डालेंगे और जरा सी हींग डालेंगे। ये देखिए, तड़का हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम चटनी पर तड़के को लगाएंगे। हमको उम्मीद है आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको प्लीज जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी नई नई रेसिपी तुरंत आपके पास पहुंच जाए। इसी तरह की बढ़िया बढ़िया सरल सरल रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।